हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज का टॉपिक है कि एक हमारे दोस्त है, उन्होंने पूछा था कि उन्होंने हमसे पूछा था कि आप पर 6709 या 6707 9 और 7 ये दोनों मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी जगह पर हम कौन सा वाला स्टेयर यहाँ पर लगाए। तो आज का टॉपिक ये जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेयर जो बन रहे थे, ये पूरे 2 से 3 साल हो चुके हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है, तो ये मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है अभी, ये मिल नहीं रहे हैं। तो अगर आपको दूसरा कुछ और स्टेयर देखना है तो आपके पास में नंबर्स यहाँ पर लिखा हूँ बोर्ड पर। एक नंबर पर 6703 नाम का स्टेयर जो नंबर है, ये स्टेयर भी जगह पर एकदम ओके बैठता है। और उसके बाद दूसरा नंबर है 6707। 5707 नंबर का भी स्टेयर मार्केट में मिले तो ये उस जगह पर भी बैठ जाता है। और नेक्स्ट नंबर पर है 6708, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 7 है, लेकिन 57 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है। 6708 ये मार्केट में मिलता है कि देखो, तो इसकी जगह पर 4090 नंबर का भी एक स्टेयर है, ये मार्केट में अभी मिलता है, लेकिन आपके जगह पर अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बंद है, वो नहीं मिल रहा है, तो आपको सिर्फ दो पर्याय रहते हैं, उस दो ही ऑप्शन है जो आप इसे ऐड कर सकते हो। एक तो आपको 5 वायर वाला मॉड्यूल, 5 वायर, वाला मॉड्यूलर उस जगह पर लगाइए अगर ये स्टेयर नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप उसी स्टेयर को ऑन करना चाहते हैं तो आपको पावर सेक्शन ओके है क्या वो देखना है। पावर सेक्शन ओके सिर्फ स्टेयर ही शॉर्ट है, तो आपको ये तरीका आजमाना है, एकदम लाजमी तरीका है और ये परफेक्टली काम करता है, तो आपको इस पर काम करना है थोड़ा सा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तीन चार पाँच छ सात 8 और 9, जो भी आपने स्टेयर बताया है उस स्टेयर के 9 टांगे होती है। जैसे कि इस पर मैं लिखता हूँ 90, ठीक है। 6709 का अगर स्टेयर आपके पास है, या इसमें से कौन सा भी आपके पास स्टेयर है जो नंबर बोर्ड पर दिखाए हैं मैंने, तो ये सभी इनके लिए 9 टांगे रहती है, 9 टांगे, ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना है और आपका जो सेट है टीवी है जो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके स्टेयर को 9 टांगे रहेंगी, तो आपको उस जगह पर ये स्टेयर जैसा है वैसा रह जाए, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है। जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप सिर्फ ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसे ऐड कैसे कर। किसी भी गलती इलेक्ट्रॉनिक्स में महंगी पड़ सकती है, तो आपको ध्यान देना है मेरे स्क्रीन पर, मतलब जैसे बोर्ड पर ऐसे ही वायरिंग करनी है जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप एडिशनल लगा सकते हो, जैसे कि एडिशनल यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, बीयू आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसमें से आप देख रहे हो यहाँ पर एक बीयू का आइकन निकालता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर 1803 रेगुलर, सबको पता है कि 1802 रेगुलर ही चलता है मार्केट में,
तो ठीक है, यहाँ पर आपको 18-0 आपके पास नहीं है तो आप दूसरा भी लगा सकते हो, जैसे कि 23-10, 23-10 के बाद 68, जैसे 68-10J, 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 23-10 और 18-02, इनमें आपको एक एडिशनल वायरिंग करनी है, जो वायरिंग पर ध्यान दीजिए। तो आपके पास ये 9 पिन वाला एसटीआर है, तो आपको इनमें से ये जो सामने दिख रही है 3 पिन आप यहां से गिनोगे, 1 2 3 ऐसे 9 करके, तो यहाँ पर पहले 3 पिन है, यही एसटीआर के मेन पिन है, मतलब जैसे ट्रांजिस्टर जो काम करता है उसकी। तो ये जी बाकी के जो बचे हैं 6 पिन, ये वर्किंग के काम करते हैं, एस्टर को पावर सप्लाई को वर्किंग करने के लिए। तो आपको इन पिन को ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 पिन है जो किट में से जैसा एस्टर है वैसे लगाने हैं और उस पिन को काट देना है, ऊपर वाले कनेक्शन को काट देना है। तो हम इस पिन को 3 पिन वाले को काट दिया, तो इनका जो संपर्क है वो इसमें नहीं है अभी। तो पीयू जो हमारा मार्केट में मिल रहा है तो उसे एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, तो पीयू की बात करें तो ये है कनेक्टर और ये है इग्निटर और ये है बेस, ठीक है। तो ये बेस है, कलेक्टर है और ये इग्निटर है। तो आपको वायरिंग में करना ही है कि फर्स्ट बीयू का अगर ऑप्शन ले तो बेस है, बेस वाले को हमें कनेक्ट कर देना है नंबर 3 वाले सेक्शन को। बीयू का जो फर्स्ट वाला वायर है 3 नंबर को एडजस्ट कर देना है, और सेकेंड वाला जो वायर है उसे हमें एडजस्ट कर देना है 2 नंबर को, उसे हमें एडजस्ट कर देना है 2 नंबर को, और बचा है तीसरा जो है इग्निटर, उसे एडजस्ट कर देना है 3 नंबर को। तो इससे क्या होगा कि पावर सेक्शन में एसटीआर का जो काम है, एसटीआर रेगुलेशन का जो वोल्टेज कभी नहीं होता, एसटीआर सिर्फ खराब होता है तो ये 3 ही सेक्शन में खराब होता है, तो आपको ये 3 सेक्शन ऑन करनी है। तो इसके लिए आपको लगने वाला है बीयू और कुछ वायर्स और कनेक्शन। तो यहां पर 3 नंबर को मैंने पहला लगा दिया और दूसरा जो कलेक्टर है इसे लगा दिया है 2 नंबर को, फर्स्ट वाले 1 नंबर को लगा दिया है, सॉरी 1 नंबर को, और सेकंड है उसे लगा दिया 2 नंबर। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखो और ये करो, तो इससे क्या होगा कि ये एसटीआर का जो ये भाग है ये पूरी तरह से कट हो जाएगा और इसमें से बीयू से वर्किंग होके एसटीआर जो है वर्किंग करने लगेगा, क्योंकि एसटीआर यही एक जुगाड़ है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि एसटीआर मार्केट में ये इम्पॉसिबल है, जो नंबर्स मैंने बताए हैं ये मार्केट में लगभग नहीं मिल रहे हैं, तो आपको यही जुगाड़ करना पड़ेगा। और पूरी तरह से जैसे पहले आपका जो किट है वर्किंग कर रहा था, इसी प्रकार से ही वर्किंग करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही अगर जो पार्ट आपके मार्केट में नहीं मिल रहे तो इसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो ला सकूं, और अगर इसे और भी अलग सा कुछ पार्ट है आपके पास वो मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर आप एडिशनल या कुछ जुगाड़ करके या कुछ और पार्ट इस जगह पर लगा सकते हो या नहीं, तो मुझे कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट।